नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले देखिनबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस 1.5 कोटी टंकार ब्राउन सुगार जबत बालेश्वर जबत कला क्राइम ब्रांच एसटीएफ जणे गिरफ अभियुक्त रो ना शेख मुनाफ बंद है श्रीलिंगराज नीतिकांति सेवे असहयोग कले ब्राह्मण निजोग रोष होम ठार नीतिकांति पर्यंत सेवा बंद सेपटे दीर्घ वर्षर परंपरा भंग होते भी चुप प्रशासन केबे छिंडिबो मंडी समस्या भद्रक कटक बड़म्बारे धान बस्ता रखी चाषी रास्ता रोक दीर्घ दिन मंडी में पड़ रही धान बारंबार अभियोग पर भी प्रशासन शुणुन अभियोग लिभुनी निया जलुछि सिमिलीपाल पक्षर नौ घंटिया मयूरभंज बंद डाकरा न्यायत करिबारे वन विभाग विफलता को नहीं बंद साधारण जीवन जापन बाध्यप्राप्त बदलिले पश्चिमबंग पुलिस डीजी डीजीपी वीरेन्द्र बदली कहते निर्वाचन आयोग डीजीपी स्थान में आईपीएस पी निरंजन को निजुक्ति सेपटे आज निर्वाचन प्रार्थीपत्र दाखल करे आज नुआपड़ा जिबे मुख्यमंत्री 4000 कोटी स्वप्न भितर सारा खोजुंट विस्थापित स्कूल साजिश अस्थायी घर ग्राउंड जीरो देखा केमिसी अच्छा लोयर इंद्र प्रकल्प प्रभाव आज 12 घंटिया लोईसा बंद डाकरा एनएससी मान्यता दाबी आंचलिक विकास परिषद तरफ दिखाई डाकरा दुकान बजार बंद खुल स्कूल कलेज एवं श्रीमंदिर प्रशासन कार्यालय में बसव अर्थ सब कमिटी बैठक उपस्थापन हो 2021-22 वार्षिक बजेट क्यों क्षेत्र केते आय आसुची हो आलोचना बालेश्वर पुणी धरा पड़ा धला जहर कारबार लक्ष्मणनाथ तनखी फाट निकटर 1.5 कोटी टंकार ब्राउन सुगार जबत करी क्राइम ब्रांच एसटीएफ घटनारे जणक को गिरफ करी पुलिस अभियुक्तर ना शेख मुनाफ एने एसटीएफ एसपी पक्षर सूचना दिया जाइछि बंद है श्रीलिंगराज महाप्रभु नीतिकांति परंपरा रक्षा नहीं श्रीलिंगराज मंदिर प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप नियाजु ब्राह्मण निजोग आज सेवे असहयोग कर जगर दिनक पूर्व सेवातंक असहयोग रोष होम ठार नीतिकांति सबकि बंद रही ब्राह्मण निजोग संपादक विरंची नारायण पति सूचना देते कपिलनाथ सेवायत और श्रीलिंगराज सेवायत भितर बद लग रही दीर्घ वर्ष धरी परंपरा भांगी आसुले सुधा प्रशासन पक्ष कौन पदक्षेप निवायत अभोग कर मंडी समस्या को नहीं भद्रक में धान ढाई चाषी रास्ता रोक भद्रक आनंदपुर 53 नंबर राज्य राजपथर गणिजांग बजार रास्ता अवरोध करी और नवनिर्माण कृषक संगठन गणिजांग सेवा समवाय समिति धान किणारे अनियमितता अभियोग टोकन मिले टोकन अवधि सरी जा धान किणुना सेवा समवाय समिति कटनी छटनी समस्या रही समस्या को नहीं चाषी मैंने रास्ता अवरोध करतायात तो बाधाप्राप्त होगा उभय पार्श्वे गाड़ी मोटर अटकी रही दीप्तिरंजन साहू अब भद्रक प्रतिनिधि आम सहित तो जोड़ी अपडेट नवा तेज दीप्ति जेभली भाव लगातार भाव आम देखे आसी को समस्या कोटना कोठी दुर्बृत होबार ना धरुनी यार भितर चाषी मैंने बारंबार रास्ता कोलाउं बर्तमान ताजा अपडेट कौन आसुची निश्चित भाव निवेदिता आप देखिपे वर्तमान आम से ही गणिजांग बजार उपर अच्छे आपड़ देखिपे शताधिक चाषी जपरी भाव में धारणा बस रास्ता उपर धान ढाई एक प्रकार धान ढाई ढाई सहित रास्ता अवरोध कराकि ये देखिपे आप 53 नंबर राज्य राजपथ पूर्व यही सेवा समवाय समिति धान बिक्री को नहीं
अव्यवस्था देखा देता और चाषी मान भर असंतोष देखा देता जहाँ को लेकिन पूर्व एक मस ते धारणा देते रास्तारोक करते तेज पुणी थे से ही सेवा समिति आगे जहाँफल कि टोकन पाई धान बिक्री करते जहाँ कि चाषी मान नाई नार असुविधार सम्मुखीन होती आज राजस्ता को लेकिन तेज आम पाखे किसी चाषी अच्छा सीधा साल प्रतिक्रिया ना आज कौन आप पूर्व रास्तार अवरोध करते पुणी आज भी पुनर्व रास्ता अवरोध करान ढाई कौन मुख्य समस्या रोचे कौन आपड़ धान बिक्री कर सरकार कहते सब धान आम नबू प्रतिश्रुति दौरान कि कमर गोटे कथार गोटे मंडी में शहे मानते मसे धान पड़ रही डायरेक्ट सी एस भी आयर सी एस आब देखला किसी कार्यानुषान जीरो तेणु आम चाहूँ जहाँ कथार कम से हूँ होना टोकन लाभ करा से धान कुआ जीव री टोकन लिखिक आम देलुँ अलरेडी 15-17 दिन है से कार्यानुषान किसी ना आम चाहूँ धान संपूर्ण उठी जाऊ मंडी उठी सरकार नियंतु जो टोकन लाभ से हो री टोकन दि जाऊ निहत भाव में नवेदिता आप देखिपे आज किसी चाषी प्रतिक्रिया ना सी भी धारणा बस कहे जो री टोकन आपर जो टोकन केवल लास्ट के कौन सब समस्या रही है फेब्रुआरी 7 मिलता 7-8 एपर्त आम धान दवापी भी जो मंडी आम आस धान दबु कि ये करूँ सी करूँ एपर् धान नापी भी से चाहूना ये आज आज गाड़ी ना ये ना सी ना आम से आसी ना एमती आम धान बुले 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 दर देढ़ मस एमती चलीज आम के दिन खरा वर्षा एमती पड़ी रही जो मंडी जगुते राति अनिद्रा हो किप मंडी जगुते मंडी जगी आज छेली कुकुर कतु नहीं कुकुड़ा पर्यटन सब आज ये कर देखते कौन अवस्था ना रात भी चोरी तथा पड़ी रही जेहतु आम 3 किलोमीटर रास्ता निहती भाव में नवेदिता आप देखिपे चाषी मान असंतोष देखा देती बर्तमान एसएसओ बर्तमान आम सीधा साल सारे प्रतिक्रिया ना सार कौन कह सब आक मान जो समस्या बुझुच्च तेज ये जो बर्तमान जो समस्या रही है मैंने रास्तार अवरोध कर कौन सब समस्या एम कौन समाधान हो पार किप धान उठो सर पुनर्वार भी पूर्व रास्ता अवरोध करते चाषी मैंने आंदोलन करते बर्तमान पुणी देखिए किसी दिन तले भंडारी पोखरी ठार भी अवरोध होता रास्ता पुणी आज भद्रक आंदपुर रास्ता अवरोध करते चाषी मानक कौट समस्या रोचे केत टार्गेट आसी जहाँफल कि जिलार धान कि देखु जहाँ टार्गेट ग्राजुआल में दौर जहाँ जहाँ इश्यू सट आउट अर्थात दीप्ति जे एभले भाबे बारंबार लोके राजरास्ता को लाउछंती किंतु कोटना कोठी सरकार को कान रे हुए तो एक कथा पडुनी जेंति पई तांको समस्या दुरीभूत हबा परिवर्तन समस्या बिगड़ी बारे लागिछि बहुत बहुत धन्यवाद हम भद्रक प्रतिनिधि दीप्तरंजन साहू हम सतो जोडीतिले पूरा ताजा अपडेट देउथिले तबे सेपटे चासी समस्या को नहीं नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षरु बड़म्बा बंद डाकरा दिया जायछि। गोपपुर सेवा समवाय समिति अधीन रे जाउतिबा 6टी पंचायत रो चासी रास्तारे धान बस्ता रखी कटक नरसिंहपुर 65 नंबर राज्य राजपथ को अवरोध करिसेंति। गोपपुर सेवा समवाय समिति रे 538 जन चासी धान एबा नै पंजीकृत होइतवा बेले वर्तमान सुधा 369 जन चासी सेमानक धान को मंडी रे देइछन्ति। अन्य 69 जन चासी धान बिक्री करिबारु वंचित रहिछन्ति। प्रशासन को अनेक थर सेमानक असुविधा जणाइथिले मध्य कोनोसी सुफल न मिलिबारु आजि चासी रास्ता को लाइछन्ति। तबे जा खबर आसी पहुंचुची डाक्टर को पत्नी को घरे ताला पकाई रखी ससुर एभली अभावनीय चित्र सामना को आसी ब्रह्मपुर खोड़ा सिंह बांछानिधि नगर अभियोग अनुसार जे डाक्टर जे रही शांतिभूषण पाठी पत्नी निवेदिता साहू को गृहबंदी कर रखी जे ससुर तेज आज सका उपरे घरे सीढ़ी ससुर ताला पकड़ फल बालकोनी दौड़ी साहरकू खाद्य पठाई झीर बापा गतकाली महिला दिवस रे सासुघरे रहिबाकु दाबी करी धारणा देथिले बहु निवेदिता साहू याकु नै आजिकु 3 दिन हेबो बहु निवेदितांकु ग्रहण करुनांती सासुघर लोके। आपणा सिदासळक लाइव विजुअल मध्ये देखुचंती अधिक आलोचना पई सिदासळक नै चालुचु ब्रह्मपुर हम प्रतिनिधि पीतांबर नाक हम सत जोडीचंती। पीतांबर ए जो चित्र सामना को आसुचि आमे दर्शकंकु जणाइबाकु चाहिबा पूरा घटना कोण अंतर्जातीय महिला दिवस गत 2 दिन तले रही गत 2 दिन तलू
ଯେତେବେଳେ ନିବେଦିତା ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନିବେଦିତା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେ ରହିଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 2015 ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁନା ଆଣିନୁ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ପ୍ରଥମେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶାଶୁଶ୍ୱର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପର ଘରେ ସେମିତି ରହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପର ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଡ୍ରୁମ୍ ରହିଥିଲା। ଏଇ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉପର ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ରହିଛି, ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଡ୍ରୁମ୍ ରହିଛି। ସେଇ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଯେମିତିକି କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଗେଟ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବାପା, ଯିଏକି ଝିଅର ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା କି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେ କାହିଁକି ଆଣିନାହୁଁ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୀତାମ୍ବର ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏନେଇ ସେ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇ କେଉଁଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ପୀତାମ୍ବର? ମିଶାଇକି ତିନି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ, ସେ ତଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତଳକୁ ଆସିଲେ କାଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଲା ପକାଇଦେବେ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟୁଛି, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପର ଘରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ନାମିଦାବୀ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ବା ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତିନି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ। ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅବଗତ ରହିଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିବେଦିତା ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଏସେ ପୀତାମ୍ବର, ଯଦି କହିବା କି ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା, ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶା କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗୌତମ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରି ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ତିଖାଲିଠାରେ ଅବତରଣ କରିବେ। 1700 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଭୂତଳ ଜଳରେ ଥିବା ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେହିପରି ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ 4000 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
युधिष्ठिर पटेल आम नुआपड़ा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ अधिक अपडेट नवा तेज युधिष्ठिर जो भाव आज नुआपड़ा गस्तरे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी क्यों सब प्रकल्प शुभ उद्घाटन रही कार्यक्रम के जानवाक चाहिए आउ अल्प समय मध्य नुआपड़ा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे आउ एटी जो बहुप्रतीक्षित लोहर इंद्र जो जलसेचन प्रकल्प अच्छी लोकार्पण करेंगे ता सहित खड़ियाल जो समावेश रही से ही समावेश साधारण सभा में जोगदेवार कार्यक्रम रही चार हजार कोटी टकर जो भेटी देवाक जाऊँ आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कितु गोटे बड़ दुख रही निवेदिता जे एटी जो लोहर इंद्र प्रकल्प जो जमी अधिग्रहण करागला लोकंकु विस्थापित लोकंकर आज जाए क्षतिपूरण मिल पारिना जदिओ 20 वर्ष भितर डैम प्रकल्प सरी जाइछि तथापि क्षतिपूरण ए जाए संपूर्ण दे पारिना आम सहित किसी विस्थापित अच्छा सहित कथा जे कौन असुविधा अच्छी आ सरकार कौन आज जाए के क्षतिपूरण दे से विस्थापित अन्यत्र जगह विस्थापित हो पारे कि सर कौन कहे आपंकर कौन प्रमुख समस्या रही है आम मन समस्या जलसेचन मंच जेन दिन 2002 मसीहारे आमटा उद्घाटन करथिले नवीन पटनायक आज तो कम 2937 रो बचिगला आमर जमीन बाड़ी 12,000 15,000 18,000 है आज कि 20 वर्ष हो गला आमर कौन सी उचित प्राप्त नहीं पावार आम जेन दिन तक उचित प्राप्त नहीं पाइमु से दिन तक आम कोनाबीरा कौन सी मानने जगह को आम छाणी पार्मू ना बोल मोर ये सूचना आम सहित कालीमाटीर बासिंदा अच्छा जो जिला प्रशासन अस्थायी कैंप करके रजना स्कूल किसी विस्थापित परिवार को रखी सहित सीधा सलख कथा जे से कौन पाई आज जाए बासुचित हो पारना क्षतिपूरण संपूर्ण मिली कि ना सर कण कह तो मो ना कालीमाटी आज्ञा राज भई आम गाँव में तहसीलदार साहब जाइए पीडी साहब जाइए तुम्हें उठिकी गले भी पैसा पाव बोल सांत्वना बाणी दे तो जबरदस्ती तमें उठेरी रोजना स्कूल रखीछन तो से मगे जगह दिहबा चार डिस्मिल बोलिकी कही तो महाशय मोर जमीन 30 एकर था ए पर्यन तार मैंने 10,000 रु 15,000 दे तो जमीन रेस्टी कराला 2003 रे तो रेस्टी सेल डीड खर्चा भी ए पर्यन आमर इ सरकार नहीं देवार लगे मुई तो भोगुछे एत दिन है मुई रेस्ट करी रेस्ट खर्चा मध्य भी नहीं देवा खाली सांत्वना बाणी दौछ के मिलवा काणा करवा तापर जमीर 18 वर्षिया पिलार फिता काटले मध्य भी आमको सरकार ग्रहण करी पैसा आमर भूल चुक्ति आमर हंक दाबी जेनटा अच्छे से हंकटा देदे आम प्रात थेमु बोल करी सरकार नो आम अनुरोध करी आम कहूँ मुखी कौन आमको लेखिकी खड़े देले भी प्रतिश्रुति आम कें दिन देले केस करी भी आम पामु बोल कहू आमको आशा विश्वास रख बोल से मैंने खाली सांत्वना दौछ तो केबे मिलवा कण करवा से प्रतिश्रुतिटा आम पाई पार्बा आम सहित आउ किसी विस्थापित पर सदस्य अच्छा सहित कथा जे सर कण प्रमुख समस्या अच्छे सरकार जेन 20 वर्ष हो आज के आज ना कर हाँ हेलो मो श्री मंगला प्रसाद वर्गे कुमना मु बुढ़ी अंचल निवासी जड़े मो पितृंर अर्जित संपत्ति 1.5 एकर गला आज पर्यंत कौन पैसा पाईना केवल 45,000 टंका मात्र जमी बाबद तेणु दुखदायक आउ कोमना आंशिक गाँव हेले आंशिक बुढ़ी अंचल लोकंर कौन मानने सुव्यवस्था कराए ना तेणुक आप यथाशीघ्र पदक्षेप नापी आपण को अनुरोध करूँ जे आज शुभ उद्घाटन आपण यह उदार हृदय विचार कर जहाँ कि यथाशक्ति हिताधिकारी मानक सहयोग करने मु प्रार्थना कैं तत्संगे संगे आउ जो डीपी गुड़ाक रही आईपी गुड़ाक पा मानक रही आज दीर्घ 3 वर्ष है 17, 18, 19 तीन वर्ष है दि जा मान चिठी उपरस्थ अफिस आज पर्यटन से डीपी गुड़ाक तेनालीराम पदक्षेप अनुरोध करें
बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर पटेल आम नुआपड़ा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ होते जहाँ से कहते हैं आज नुआपड़ा गस्तर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक रही किसी समय पर से पहुंचे जहाँ सब कार्यक्रम रही तार सब शुभ उद्घाटन कर सब भितर जो मैंने विस्थापित रही अभियोग या सरकार अनेक समय प्रतिश्रुति तेज आज जिते लोकार्पण वास्तव में केते जदि कह सुफल होता नजर रहा तबे बीजेपी पक्षर आज पश्चिम ओडिशा रे दुई घंटिया चकाजाम आंदोलन कराउछि जंतपई सकाळ 10टा रु पाखापाखी मध्यान 12टा पर्यंत पश्चिम ओडिशा रे पाखापाखी पांचटी संसदीय क्षेत्र रे चकाजाम कराउछि जे चासिंकर जेवळी बाबे मंडी समस्या लागि रहिछि चासिंकर समस्या सरकार सुनांती ए सबुकु नै प्रतिवाद करी आज बीजेपी पक्षर दुई घंटिया चकाजाम करा दैछि अधिक अपडेट नबा आम संबलपुर प्रतिनिधि जे रहिछंती मळे भई आम सहित जोडीछंती मळे ताजा चित्र कोन आसुछि निश्चित पक्ष निवेदन देखो तो आप जानते वर्तमान समय पश्चिम ओडिशार विभिन्न मंडी मानक लक्षाधिक धान आज पड़ रही राज्य सरकार का जो चाषी मारणा नीति जो वर्तमान समय धान मंडी उठी पारे ताकू नहीं कि बीजेपी आप जानते अनेक थर आंदोलन कर संबलपुर बड़धरण आंदोलन तथापि कौन से प्रकार समाधान हो पारे ना आज देखुए आज सारा पश्चिम ओडिशार दुई घंटा धरी चकाजाम आंदोलन कराई जहाँकि संबलपुर मानसर छक आंदोलन कराई सकाल 10टा रु दिन मध्यान 12टा पर्यंत आंदोलन जारी रहे सीधा सल बीजेपी विधायक अच्छा नवीन नायक प्रतिक्रिया रखा कौन के देखु आप पूर्व आंदोलन करते कौन समाधान हो पारे ना आज चाषी धान उठी पारे कौन आज कौन दाबी रही मुख्यतः वर्तमान सुधा भी सब मंडी में धान पड़ रही बहुत चाषी घरे धान पड़ रही आम प्राय दु तीन मास धरी आंदोलन कलापर भी सरकार सुनलानी शेष विधानसभा भितर प्रबल दाबी कलु सरकार बाध्य हेले सेठी घोषणा कले जे ना आम जो चाषी मान धान अच्छी किणवु बोली किंतु दुर्भाग्यर कथा आज को 10 दिन हो वर्तमान सुधा भी जो सरकार घोषणा कले विधानसभा भितर वर्तमान सुधा कौन सी प्रकार तर निर्देश आसी नहीं कि कार्यक्रम होना से आम आश्वस्ति लाभ करूँ कारण जो आम मान्यवर देवगढ़ विधायक आत्महत्या करने कथा कहले सरकार ये बोधे आमको भुआ बोलिया भाया घोषणा करदे किंतु आज भी मंडी में धान पड़ी पश्चिम ओडिशार सबू जगार धान पड़ रही तो आम दाबी करुचु जे सरकार अतिशीघ्र धान को किणतु एवं ये टोकन सब लेफ्ट से कार्यक्षम कर बहुत चाषी अच्छे भी किणतु धान आ मुख्यतः गोटे कथा रहा ये जो राज्य में बस सरकार तेने गोटे भुवनेश्वर केन्द्रीभूत कर क्षमता को रखिकी जोटा कि आम अणजलसेचित अंतर 13 क्विंटाल जलसेचित 19 क्विंटाल निष्पत्ति नौकर ये आमर ये पश्चिम ओडिशा सब जिला मान जो चाषी मान अन्या हो तेनाली दाबी करुचे जिला स्तरीय जो अच्छी DLPC डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोक्योरमेंट कमिटी अच्छी क्षमता प्रदान करपत्ति जाऊ तो से निष्पत्ति बल में धान किणा नहीं कि चाषी मान समस्या कथा भी समाधान कर पूर्वर अनेक थर बीजेपी रास्ता को लाई सोरो उठाई प्रतिवाद कर आरडीसी ऑफिस गोटे समय घेरा करा सब सत्ते कौन सी प्रकार सरकार निद भांगुनी चाषी समस्या दूर होनी चाषी पुणी थे रास्ता खोलाउं या सहित सचेतन विरोधी दल हिसाब से बीजेपी चाषी को समर्थन करुच्छे बहुत बहुत धन्यवाद मेले भोई आम संबलपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी ताजा अपडेट दूसरे तेज समय सरी बुलेटिन को सारे विदा दिंतु नमस्कार।